हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए भैया, आज आपको जो हम ट्वेल्थ की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उस ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में आपको अभी चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में कल हमने क्या किया था, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताया था। आई होप उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। जान लीजिएगा, उस रिएक्शन को आप समझने का प्रयास करेंगे, उसमें ट्रिक एक बहुत अच्छा है आपको। तो जो रिएक्शन हुआ करता है, उसमें मैंने कल आपको बताया था कि इसके पहले वाले लेक्चर्स में एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है और फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने आपको बताया था कि जब दोनों एल्डिहाइड जो होते हैं अलग अलग हो और उसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, तो वो चार तरीके से क्या किया करते थे, प्रोडक्ट दिया करते, जिसमें मैंने एथेनल और प्रोपेनल दो एल्डिहाइड लिए थे और उसमें चार प्रोडक्ट आपको देखने को मिला था। आज हम आपको उसी से ही रिलेटेड थोड़ा एक रिएक्शन बताएंगे जिसका नाम होगा मिश्रित एल्डोल संघनन, मिक्स्ड एल्डोल संघनन, और फिर उसके बाद कीटोल संघनन क्या हुआ करता है ये आपको बताएंगे। तो आज का भी लेक्चर आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है, इसको भी आप देखने का प्रयास करें। तो आपको समझने के लिए यहां पर ध्यान दीजिए, आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है आपका मिश्रित एल्डोल संघनन। जो रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं उसको समझिएगा आप लोग। ये जो रिएक्शन है वो है आपका मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, इसको समझिएगा। वह अभिक्रिया या वह एल्डोल संघनन जिसमें दो एल्डिहाइड लिए जाते हैं, दो एल्डिहाइड को आपस में NaOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, किंतु एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और दूसरे एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तब उसको हम लोग क्या कहा करते हैं, मिश्रित एल्डोल संघनन कहते हैं। और एल्डोल संघनन में ऐसे दो एल्डिहाइड लिए जाते थे जिसके दोनों सेम एल्डिहाइड होते थे और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होता था। समझिएगा बारीकी से, एल्डोल संघनन में ऐसे दो एल्डिहाइड लिए जाते थे कि जिसमें दोनों एल्डिहाइड के पास सेम एल्डिहाइड हुआ करते थे और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होता था। लेकिन क्रास में मैंने क्या बताया था कि दो अलग अलग एल्डिहाइड लिए जाते थे और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होता था। बात कुछ समझ में आई। लेकिन मिश्रित में क्या बता रहे हैं कि इसमें दोनों अलग अलग एल्डिहाइड लिए जाते हैं और किंतु एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये समझने वाली चीज है। तो आपको यहां बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, जब ध्यान दीजिए दो एल्डिहाइड, अब दो एल्डिहाइड में सीधी सीधी सी बात आपको बता दें, जब बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, ये बात दिमाग में रखिएगा, जब बेंजल डिहाइड, अब बेंजल डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अनुपस्थित है। बेंजल डिहाइड के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अनुपस्थित है। जब बेंजल डिहाइड एवं ध्यान दीजिए एसिटल डिहाइड, बेंजल डिहाइड एवं एसिटल डिहाइड, अब इसके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित। जब बेंजल डिहाइड एवं एसिटल डिहाइड, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है और दूसरे के पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, बात को समझिएगा, जब बेंजल डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित एवं एस्टर डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित की क्रिया NaOH की उपस्थिति में की जाती है तो एल्डोल प्राप्त होता है, यहां पे भी प्राप्त होगा। तो
क्या होता है, एल्डोल प्राप्त होता है जिसे गर्म करने पर फिर वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, जिसे गर्म करने पर समझे असंतृप्त एल्डिहाइड, असंतृप्त एल्डिहाइड यहां पे भी बनेगा और उस असंतृप्त एल्डिहाइड का नाम हुआ करता है सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल डिहाइड, सिनेमल डिहाइड प्राप्त होता है। कंफर्म करिएगा एकदम विधिवत तरीके से तो यहां समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड हैं आप ये भी देख रहे हो, और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, दूसरे के पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन, एक के पास अनुपस्थित तो दूसरे के पास क्या है उपस्थित है। तो अगर इनको एमिनोज की उपस्थिति में गर्म किया गया है तो एल्डोल प्राप्त होगा और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित एल्डोल संघनन कहते हैं। इस अभिक्रिया को मिश्रित एल्डोल संघनन कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, मिश्रित एल्डोल संघनन कहते हैं। जब बेंजल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित एवं एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में की जाती है तो एल्डोल प्राप्त होता है और जिसे गर्म करने पर क्या होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और जो ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होता है इसी को सिनेमल्डिहाइड कहते हैं। और आप देखिए रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा बेंजल्डिहाइड का फार्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये बेंजीन रिंग है आपकी, ये बेंजीन रिंग, और यहां पे आपने क्या लिख दिया CHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है जान लीजिएगा। और अब उसके पास ध्यान दीजिएगा हमारी बात, प्लस आप क्या ले लीजिए एस्टरडिहाइड, एस्टरडिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है CH3CHO होता है तो इसका मैंने अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिया, ये देख लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया बेंजल्डिहाइड, ये क्या हो गया आपका बेंजल्डिहाइड, और ये आपका क्या हो गया एसीटेल्डिहाइड। एक आपका क्या हुआ बेंजल्डिहाइड और दूसरा क्या हुआ एस्टरडिहाइड, दो हो गए आपके। अब जो ये बेंजल्डिहाइड और एस्टरडिहाइड है दोनों, इन दोनों में अगर आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिए बेंजल्डिहाइड और एस्टरडिहाइड में, तो अब होगा क्या, इसका एच यहां से जुड़ जाएगा तो एल्डोल बनता है, इससे इसका बनेगा। तो ये बात दिमाग में रखिए, यहां से इसे जोड़ दीजिए इसको। अब यहां पर क्या हो जाएगा CH, क्या हो जाएगा CH, और फिर इसी के साथ क्या जुड़ जाएगा यहां पे OH, और फिर आगे क्या बचा CH और OH, फिर बचा क्या यहां पे CH2 और फिर CHO। एकदम वैसे ही पुराना ही कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें लेकर के नहीं आया हूं जान लीजिएगा, एकदम पुराना कॉन्सेप्ट। और ये जो है इसका नाम है एल्डोल, क्या नाम है इसका एल्डोल। अब उसके बाद सुनिए दूसरा स्टेप इसका, आगे इसका जो दूसरा स्टेप है उसको मैं बता रहा हूं, ऊपर देखिए थोड़ा ध्यान समझिएगा। जब तक समझ में नहीं आता है तो आप लोग जान लीजिए, और आप लोग जब कमेंट नहीं आता है तो मेरे को समझ में आता है कि समझ में आता है, और कमेंट कीजिए तो फिर से रिएक्शन को बता दिया करेगा आप। आप जैसे इसको आप गर्म करेंगे, देखिए यहां से ये आपका ये हो गया, और फिर ये क्या है आपका CH, और फिर यहां से OH, और फिर ये क्या हो गया CH2। अब जो ये CH2 है इसमें का हम यच क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे यच, और फिर ये क्या हो जाएगा CHO, और फिर यहां से ये H2O बाहर हो गया। और जब ये H2O बाहर हो गया तो अब आप देखिए आपको एक कंपाउंड प्राप्त हो गया और उसका नाम हो गया यहां पे CH, और ये आपका हो क्या हो गया यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा CHO, यही है। और इसका नाम होता है सिनेमल डिहाइड, क्या नाम होता है इसका सिनेमल डिहाइड। ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, क्या है एक प्रकार का ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, और
इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिनेमल डिहाइड। तो कंफर्म हो गया मेरी बात को, एकदम समझिएगा विधिवत तरीके से कि जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड को आपस में हम एन्योल्स की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्डोल प्राप्त होता है, लेकिन ध्यान ये दिया जाता है कि इसमें एक के पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है और दूसरे के पास उपस्थित होता है, तो इसी रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, आप जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, इसी अभिक्रिया को हम लोग मिश्र या मिश्रित एल्डोल संघनन कहते हैं। एक स्टूडेंट्स ने हमारे पास क्या किया था, कमेंट किया था उन्होंने कि क्लीमेंसन रिएक्शन क्या होता है। क्लीमेंसन रिएक्शन देखिए हमने आपको बताया भी था और थोड़ा सा उस प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम क्रिएट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन का ये अपचयन रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिएक्शन बता दे रहा हूं, थोड़ा समझ लीजिएगा, सब लोग एक साथ देख लेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन का जब हमने क्या किया था, अपचयन किया था, ये क्या है, यहां पर अगर आपने एच रखा है तो ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है, क्या है आपका एल्डिहाइड, और अपचयन मैंने बताया था कि कितना हाइड्रोजन लगता है, चार हाइड्रोजन, किसकी उपस्थिति में, यहां मैंने बताया था जिंक और क्या होता है अमलगम, ये चीज ध्यान दीजिए, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या होती है उपस्थिति, क्लीमेंसन अपचयन, ये मैंने आपको रिएक्शन बताया हुआ है, रिवीजन के लिए बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो जब एल्डिहाइड का हमने क्या किया था, जिंक अमलगम की उपस्थिति में अपचयन किया था, तो अपचयन में आपने देखा क्या था कि मैंने बताया था शुरुआत में कि इसमें कार्बोनिल समूह जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH2 में, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH2 ग्रुप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड CH2 ग्रुप। तो यहां पे आप देखिए कैसे कह रहे थे कि कैसे चेंज हो गया कार्बोनिल CH2 में, देखिए यहां से ऑक्सीजन निकल गया और इसमें से दो हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, उस दिन भी समझा रहे फिर समझा रहे हैं, यहां से ऑक्सीजन यहां से दो हाइड्रोजन, आप बताइए क्या बाहर हो गया, H2, यहां से हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन, यहां से दो हाइड्रोजन, जब बाहर हो गया अब बचा क्या है आपके पास, R, आप देखिए यहां C है, इसमें दो हाइड्रोजन बचा है ना, यहीं लगा दो CH2 और फिर आगे क्या बचा है, CH हो तो गया C और इसमें से दो H2 हो गया और इसी का नाम मैंने क्या बता दिया था, एल्के, बस। अब जैसे ही आप R का मान रखोगे यहां C डबल बॉन्ड को, यहां H, ये फॉर्मल्डिहाइड है, अब आपने यहां पे अपचेन किया तो पूरी कंडीशन वही आप लगाओगे, 4 हाइड्रोजन, ये आपको क्या मिल जाएगा, ZnHg। मैं जानता हूं एक बार रिएक्शन को पढ़ेंगे आप लोग ना तो एक बार तो केवल आप वैसे ही समझ पाएंगे, काफी बच्चे ये सोचते हैं कि केवल एक बार में रिएक्शन आ जाता है, और जो बच्चे रिवाइज नहीं कर रहे जान लीजिएगा उनके लिए तो और समस्या है, मास्टर का काम होता है सिर्फ पढ़ा देना और पढ़ाने के बाद आपका रिपीट करने का काम होता है, और रिपीट नहीं कीजिए तो हम लाख बार पढ़ाएं कोई समझ में आया होगा नहीं किसी को, जान लीजिएगा। तो आपको बता रहे हैं यहां से ध्यान दीजिएगा, ये CO जो ग्रुप है CH2 में कन्वर्ट होगा तो यहां H, अब यहां क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन इसमें से आया यहां पे तो क्या हो गया CH2 और यहां पे H, और फिर एक ऑक्सीजन और इसमें से दो हाइड्रोजन बाहर क्या हो गया H2। अब इसको आप मिला के पढ़ोगे तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, दो एक तीन एक चार, तो चार हाइड्रोजन हो गया, तो इसको आप लोग क्या कहते हो, मेथेन, क्या कहते हो आप लोग इसको, मेथेन। ऐसे ही अगर आप कीटोन लोगे, याद रखिए एक रिएक्शन के साथ बता रहा हूं, अगर आप यहां पे कीटोन रखते हो, सुनो, R C डबल बॉन्ड हो और यहां हो जाएगा R, ये कीटोन हो गया, आपकी बार फिर वही भाई जी चार हाइड्रोजन लीजिए और यहां पे क्या हो जाएगा जिंक और ये क्या हो गई मरकरी, फिर ये CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट होगा, यहां से ऑक्सीजन यहां से दो हाइड्रोजन, बाहर हो गया आपका जल, और अब यहां से दो हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा R CH2 और यहां पर ये भी आपका क्या हुआ करता है एल्केन होता है, ये भी आपका क्या है एल्केन है, तो ये आपका क्या था कीटोन। अब R का मान आप CH3 रखिए, CH यहां पे ये C डबल बॉन्ड को और ये क्या हो जाएगा CH3, अब प्लस क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोजन, ये बात दिमाग में रखिए, अब यहां से CH3 C डबल बॉन्ड, ये 4 हाइड्रोजन हो गया आपका, अब जब 4 हाइड्रोजन हो गया तो फिर 2 हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा CH3 CH3 और फिर 2 हाइड्रोजन यहां गया तो क्या हो जाएगा CH2 और प्लस CH2। अब इसको अगर आप पढ़ोगे तो ये लिखा क्या गया है CH3 CH2
CH3 और CH3 CH2 CH2 3 को हम क्या कहते हैं, इसको आप लोग कहा करते हो प्रोपेन। क्या कहा करते हो इसको? प्रोपेन कहा करते हो। तो इस तरीके से आपका ये क्लीमेंसन रिएक्शन था। अगर अब भी नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से कमेंट करिएगा, हम फिर से एक बार समझाएंगे। ये चीज आप दिमाग में रख लीजिएगा, एकदम विधिवत तरीके से ध्यान दीजिए। और अब हम रिएक्शन अगला बताने जा रहे हैं, उसका नाम है बेंजाइन संघनन। क्या नाम है उसका? बेंजाइन संघनन। इसको भी आप लोग देखें और इसको रिएक्शन को भी जानने का प्रयास करें, ध्यान दीजिएगा। बेंजाइन संघनन से बेंजाइन प्राप्त हुआ करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? बेंजाइन संघनन है, जान लीजिए। बेंजोइन संघनन, ये ध्यान दीजिए। चलिए, अब बेंजोइन कंडेंसेशन है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड लिए गए। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब बेंजल्डिहाइड, सबसे बढ़िया आपका जान लीजिए। तो जब एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो अणुओं को, ध्यान देना मेरी बात को, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो अणुओं को पोटेशियम साइनाइड के साथ या पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो बेंजोइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजोइन। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहा किया करते हैं? बेंजाइन संघनन कहा किया करते हैं या बेंजोइन कंडेंसेशन कहा किया करते हैं। ये बात एकदम आपको क्या करना है, यहाँ पे समझ लेना है। जब आपको समझना क्या है कि जब आप क्या करोगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो अणुओं को बेंजीन या पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म करते हो तो वहां पे क्या हुआ करता है? आपको बेंजाइन प्राप्त होता है। चलिए देखिए, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे बेंजल डिहाइड, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल डिहाइड के दो अणुओं को, बेंजल डिहाइड के दो अणुओं को पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल डिहाइड के दो अणुओं को पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो बेंजोइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं। इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं। जब एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल डिहाइड के दो अणुओं को पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसे हम लोग बेंजोइन संघनन कहते हैं। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहा करते हैं? बेंजोइन संघनन कहते हैं। जैसे अब आप एरोमेटिक एल्डिहाइड में सबसे बढ़िया है, मैंने बताया बेंजल डिहाइड ये है आपका, ये बेंजल डिहाइड हो गया सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, ये क्या हो गया आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच होता है ना, तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया आपका क्या? बेंजल डिहाइड। आप दूसरा मॉलिक्यूल बेंजल डिहाइड में ध्यान दीजिए सी डबल बॉन्ड ओ और यहां से एच, तो अब आपको क्या हो गया ध्यान दीजिएगा, यहां से आप ये दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे लिख दीजिए, याद रखिएगा बढ़िया तरीके से, जब तक फार्मूला नहीं याद होगा तब तक आपके लिए समस्या ही है, समझने का प्रयास कीजिएगा।
दूसरा व्यंजन दिखाई दिए, पहला व्यंजन डिहाइड और ये दूसरा व्यंजन डिहाइड, आपके सामने दोनों व्यंजन डिहाइड है यहां पे जान लीजिएगा। तो अब क्या हुआ करेगा, इसमें मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस रिएक्शन में व्यंजन डिहाइड और ये व्यंजन डिहाइड दोनों हैं आपकी, तो अब जब दोनों व्यंजन डिहाइड है यहां पे, तो अब क्या करोगे, जब इसको मैंने बताया पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म कीजिए, पोटेशियम साइनाइड के साथ जब इसे गर्म करेंगे तो देखिए मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सी आपके पास ही रहेगी, तो अब यहां पे जो आपको ये रिएक्शन मैंने बताया था, इस रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देना कि यही यच यहां से हटेगा और ये यच हट करके चाहे इसके साथ करेंगे चाहे आप इसी को के साथ जाएगा, तो अब क्या होगा, चाहे इसको आप ऐसे कर दीजिए, इस यच को ओ सी डबल बॉन्ड ऊपर कर दीजिए और इस यच को यहां कर दीजिए, एकदम जैसे दोनों थे वैसे ही कर दीजिए। तो आप सुनिए, सी डबल बॉन्ड को यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये सी, अब जो ये सी है आपका ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ये बॉन्ड इसके बीच में आ जाएगा, तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगी। तो सुनिए, यहां पर हो जाएगा ओ एच और नीचे यहां पर क्या हो जाएगा एच, और ये आपकी बॉन्ड एज वेल एज ऐसे ही रहे। देख लीजिए, थोड़ा सा जो बच्चे समझदार है समझ लेंगे मेरी बात को। देखिए, ये बेंजल डिहाइड का पहला मालिक्यूल है, ये बेंजल डिहाइड का दूसरा मालिक्यूल है, तो अब जब दो मालिक्यूल यहां पे होते हैं, ध्यान दीजिए, तो मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा सब लोग। ये सी डबल बॉन्ड वो सी डबल बॉन्ड ये है ना, तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहां से, और यही आपका माइग्रेट होकर के यहां गया है, ये वाला चीज देखिए, तो यहां हो गया OH और ये बॉन्ड यहां से खाली, तो इसी को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, बेंजोइन कहा किया करते हैं, बेंजोइन। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहा करते हैं, बेंजोइन संघनन कहा किया करते हैं। तो जब बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं को क्या किया जाता है, पोटेशियम साइनाइड के साथ या उपस्थिति में गर्म किया जाता है, कोई चीज यहां बाहर नहीं हुआ है, दोनों के दोनों यहां पे एक दूसरे के साथ जुड़ गए और ये एक एडक्ट प्राप्त हुआ है। और अगर आप इसमें सोचोगे कि आप वाटर मॉलिक्यूल बाहर करने के लिए, तो इसमें से तो आपको यहीं से केवल इसको, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। अब आप जो बच्चे चेक करना चाह रहे थे कि सर जी इसके पास कहाँ हाइड्रोजन है, तो आप जैसे मैंने कहा था बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें दिखाइए कहाँ अल्फा हाइड्रोजन, बेंजल्डिहाइड के पास है अल्फा हाइड्रोजन, नहीं तो आप विचार कर लीजिए कहीं से इसको निकालने का प्रयास करिए, नहीं निकलेगा। तो इसीलिए ये क्या हुआ करता है, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं होता है, और एस्टरडिहाइड प्रोपेनॉल ये सब जितने भी कंपाउंड होते हैं इन सब में क्या हुआ करता है, आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है। और अब हम आपको ले चलते हैं भैया अगले रिएक्शन की तरफ, और जो अगला रिएक्शन है उसका नाम है कीटोल संघनन। क्या है उस रिएक्शन का नाम, कीटोल संघनन। वैसे अगर कहा जाए तो एनसीईआरटी लेवल पे एल्डोल संघनन और कीटोल संघनन को, दोनों रिएक्शन को एक ही में उसने क्या किया है, बताया है एल्डोल संघनन और कौन सा आपका कीटोल संघनन, दोनों रिएक्शन को एक में ही बताने का उसने क्या किया है, प्रयास किया है। तो आइए हम एक नए रिएक्शन की तरफ चलते हैं और उसका नाम क्या है, कीटोल संघनन। ये रिएक्शन है जान लीजिएगा और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, सुनिए पूरी बात को, पहले एकदम ध्यान से सुना किया करिए, जो मैं बातें बताता हूं आपको उस बात को एकदम क्लियरली पहले समझने का प्रयास कीजिए, तब आपको पूरी बातें एकदम कंफर्म होगी, ऐसे पूरी बातें कंफर्म नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। जब कीटोन के दो अणु लिए जाएंगे, क्या लिए जाएंगे, कीटोन के दो अणु, और कीटोन में खासतौर से जो फेमस है वही है आपका एसीटोन, तो जब एसीटोन के दो अणुओं को BaOH का होल्ड वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो दोनों अणु आपस में संयुक्त तो हो जाते हैं और संयुक्त तो होकर के कीटोल का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण करते हैं, कीटोल का। जब एसीटोन के दो अणुओं को, एसीटोन क्या है, प्रकार का कीटोन है, इसके दो मालिक्यूल लिए जाते हैं और उसको बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, और जब गर्म करते हो तो कीटोल प्राप्त होता था,
एल्डिहाइड में क्या प्राप्त होता था? एल्डोल। और कीटोन लिए तो क्या प्राप्त होगा? कीटोल। अब कीटोल में दो चीजें हैं, जैसे देखो कीटोन प्लस ऑल, मतलब इसमें कीटोन समूह भी उपस्थित होता है और एल्कोहल समूह भी उपस्थित होता है, इसीलिए इसको कीटोल कहते हैं। जैसे एल्डोल में क्या रहता था? एल्डिहाइड समूह भी रहता था और हाइड्रोक्सी समूह भी रहता था, इसीलिए उसको एल्डोल कहते थे। और कीटोल संघनन में क्या होता है? इसमें जो बनेगा वो कीटोल बनेगा, मतलब उसके पास कीटोन समूह भी रहता है और कौन सा रहता है? एल्डिहाइड, सॉरी एल्कोहल समूह भी होता है। और फिर जो कीटोन होता है आप जानते हो, उसको अगर आप गर्म करोगे तो वो गर्म होकर के क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा और एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड वहां बनता था, तो यहाँ अनसैचुरेटेड क्या बनेगा? कीटोन प्राप्त होता है। सोच लीजिए, एक रिएक्शन के साथ अगला रिएक्शन भी आपका जुड़ा हुआ है, इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या किया? कीटोन संघनन को अकेले बताया ही नहीं, उसने एक ही रिएक्शन में एल्डोल संघनन और उसी को बता दिया संघनन अभिक्रिया करके, तो एल्डोल संघनन में दोनों रिएक्शन लिख दिया गया, देख लीजिएगा आप। लेकिन हम बता रहे हैं आपको एल्डोल संघनन अलग करके, ताकि एल्डिहाइड वाला आप समझिए, और फिर कीटोल संघनन करके आपको अलग बता रहे हैं, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, जब एसीटोन के दो अणुओं को, ध्यान दीजिएगा इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होता है, दो अणुओं को बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH के होल्ड प्राइस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। देखिए मैंने यहां पे बताया कि जब दो एसीटोन के अणुओं को क्या किया जाता है? BaOH की होल्ड प्राइस की उपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो आपको प्राप्त क्या हुआ करता है? कीटोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कीटोल। और ये जो कीटोल हुआ करता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि दो चीज इसमें पाई जाती है, दो फंक्शनल ग्रुप होता है, एक हुआ करता है आपका कौन सा? कीटोन हुआ करता है, और दूसरा आपका कौन सा होता है? एल्कोहल। दोनों फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या हुआ करते हैं? उपस्थित हुआ करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं? कीटोल के नाम से क्या किया करते हैं? जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे लिखते हो आप लोग एसीटोन को, ध्यान दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका क्या है? एसीटोन। ये क्या है आपका? एसीटोन। आप जब दूसरा मॉलिक्यूल एसीटोन का लिखेंगे, तो जैसे ही आप एस्टरडिहाइड में क्या करते थे, अगर आप एसीटोन का फार्मूला लिखें तो होता क्या है? CH3 CO CH3, यही इसका क्या होता है? फार्मूला होता है, CH3 CO CH3 होता है। तो अगर हम जब इसको इसमें से देखिए, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन है, तो इससे जो लगा हुआ हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप जान रहे हो अच्छी तरीके से कि ये सब अल्फा हाइड्रोजन के कारण ही अभिक्रियाएं हैं। तो पहला मॉलिक्यूल तो आप बड़े आराम से चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन जब दूसरा मॉलिक्यूल लिखोगे तो यहां पे तो एच रहेगा, लेकिन अब CH2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? CH2, और फिर उसके बाद CO CH3। ये देखिए, इसको अगर पढ़ोगे तो CH2 और ये CO और ये CH3, यही आपके लिए होगा, जान लीजिएगा। अब इसको आप क्या कीजिए? रिप्रेजेंट कीजिए। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो यहां हो जाएगा CH3 और ये क्या हो जाएगा आपका? CH3। अब इसमें का H और इसमें का यहां का O, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? OH। ये बॉन्ड नीचे आएगी तो यहां से H और यहां से O, देखिए थोड़ा समझिएगा यहां पे, तो यहां पे क्या हो गया? OH। और आगे आप देखिए जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? CH2 और फिर CO और फिर CH3। बहुत अच्छा है, इस रिएक्शन को अगर बच्चे समझ जाएं तो आप लोग समझने का प्रयास करें अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिए मैं जो बता रहा हूं यहां पे, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका एसीटोन का पहला मॉलिक्यूल है और ये एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये सेकेंड मॉलिक्यूल है एसीटोन का, जान लीजिए। तो आपका जो ये एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल है, अब क्या करेंगे? मैंने बताया इसका एच बाहर करके लिखे, तो एच और ये OH हो जाता है, यहां पे कोई दिक्कत यहां नहीं होनी चाहिए। और
बचा क्या CH2 फिर COCH3। अब ये जो बना है देखिए, इसमें यहां पे कीटोन है, यहां पे एल्कोहल है, दोनों ग्रुप है। और जब कीटोन और एल्कोहल दोनों ग्रुप उपस्थित है तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हो, कीटोल। अब देखिए इसमें दो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स और यहां पे जो उपस्थिति हुआ करती है वो बेरियम हाइड्रोक्साइड की होती है। बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हम एसीटोन के दो अणुओं को जब गर्म किया करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, कीटोल प्राप्त होता है। ये कीटोल है क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप भी है और एल्कोहल भी है। अब हमको करना क्या है भैया कि इस रिएक्शन में इसका नाम लिखना है। तो नाम कैसे लिखोगे, कहां से नंबर करोगे, जहां से समूह आपका नजदीक होता है। तो कीटोन यहां से है 1, 2, 3, 4। अब आपके पास दो रास्ते हैं, चाहे 5 पे जाइए चाहे इधर जाइए, तो हम 5 पे इधर चले जाते हैं। तो आप देखिए चौथे से ये छूट गया है तो 4-hydroxy क्या हो गया आपका, नाम लिख रहा हूं IPC नेम 4-hydroxy और फिर 4-hydroxy क्या हो जाएगा, मिथिल, क्योंकि चौथे से आपका मिथिल भी छूट चुका है। 4-hydroxy 4-hydroxy क्या हो गया, मिथिल, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। 4-hydroxy 4-methyl, अब कितना कार्बन हो गया, 5। तो पहले लिखोगे पेंट क्योंकि 5 कार्बन है और दूसरे पे कीटोन है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 2-hydroxy यहां पे क्या हो जाएगा, ऊन। और ये हो गया 4-hydroxy 4-methyl पेंट टू ऊन। और या तो फिर एकदम इसका सही सही जो कॉमन नेम होता है वह क्या हुआ करता है, कीटोल हुआ करता है। क्या हुआ करता है, कीटोन हुआ करता है। तो मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, जब एसीटोन के दो अणुओं को बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। यह आपका एसीटोन का पहला मॉलिक्यूल है। दूसरे मॉलिक्यूल को लिखने से पहले थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि उसका अल्फा हाइड्रोजन बाहर कर लीजिएगा और तब इसको लिखिएगा तो आपको कीटोल मिलेगा। और फिर अब आप ध्यान दीजिए, ये तो रहा स्टेप सेकेंड। अब क्या करेंगे, अब जब आप कीटोल को गर्म करते हैं तो ध्यान दीजिए, नीचे लिख रहा हूं, कीटोल को गर्म करने पर ध्यान दीजिए, असंतृप्त कीटोन, मतलब जैसे उसमें असंतृप्त एल्डिहाइड रहता था वैसे इसमें असंतृप्त कीटोन एवं, और उस असंतृप्त कीटोन का नाम होता है मिसटिल ऑक्साइड। क्या नाम होता है उसका, मिसटिल ऑक्साइड। और फिर क्या हुआ करता है, प्राप्त होता है। यह चीज आपको यहां पे क्या करना है, कंफर्म करना है। कीटोन के दो अणुओं को अगर हम कीटोन को अगर गर्म करते हैं तो असंतृप्त कीटोन प्राप्त होगा और इसी असंतृप्त कीटोन को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, मिसटिल ऑक्साइड कहा करते हैं। अब आप रिएक्शन लिखिए, ध्यान दीजिएगा सब लोग थोड़ा सा, सी यहां पे ये क्या हो जाएगा आपका CH3 और यहां पे क्या हो जाएगा CH3 और फिर यहां से आप देखिए क्या है OH, कंफर्म करिए उस रिएक्शन को। और अब यहां CH2 है तो H को क्या कर लीजिए बाहर, जैसे उसमें करते थे, और H को बाहर, तो यहां से क्या गायब हो गया CH2 और फिर आगे क्या बचा है COCH3। देखिए कितना अच्छा ये रिएक्शन है, जान लीजिएगा, देखिए पूरा CH3 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 CH3, फिर OH नीचे था, OH मैंने रखा ही है, इस CH2 का मैंने अल्फा हाइड्रोजन नीचे खींच लिया है। देखिए यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन का यूज आ रहा था, यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन यूज आ रहा है। अब ये H2O बाहर हो गया तो बचा क्या CH3, ये आपका क्या हो गया C और ये क्या हो गया आपका CH3। और अब उसके बाद क्या बचा आप बताइए, यहां पे C ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH और फिर क्या बचा COCH3 और प्लस H2O क्या हो गया बाहर हो गया। अब ये जो आपको देखिए इसमें कीटोन भी है और डबल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड का मतलब असंतृप्त है, कीटोन है तो इसीलिए इसका नाम होता है असंतृप्त कीटोन। और इसी असंतृप्त कीटोन का मैंने नाम भी ऊपर बताया है, क्या प्राप्त होता है मिसटिल ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है आपका, ये मिसटिल ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या है, रिएक्शन है, जब एसीटोन के दो अणुओं को बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। और कीटोन जो हुआ करता है, मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, कीटोन जो होता है, ये एसीटोन लिया गया और ये आपका एसीटोन का पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तो यहां पे मिलता क्या है, 4-hydroxy-4-methylpent-2-ol, ये आपको मिला। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, अगर आप कीटोन को गर्म कर दीजिएगा तो गर्म करने के बाद क्या होता है, असंतृप्त कीटोन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिसिटिल ऑक्साइड क्या हुआ करता है, प्राप्त होता है। और यह भी एक तरीके से जैसे एल्डोल संघनन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, वैसे कीटोल संघनन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और मैं इस रिएक्शन को बता रहा हूं कि सभी रिएक्शन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने भी कंडेंसेशन के रिएक्शन हम बता रहे हैं, सभी कंडेंसेशन के रिएक्शन की जब तक आप विधिवत तरीके से प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, तब तक जान लीजिएगा आपको पूरा रिएक्शन एकदम समझ में नहीं आएगा। तो आज हमने क्या किया, आपको पहले मिश्रित एल्डोल संघनन बताया, उसके बाद फिर हमने क्या बताया, आपको बेंजाइन संघनन बताया, और फिर आपको कीटोल संघनन बता दिया। तो ये तीन ऐसे रिएक्शन थे जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। इसको आप बढ़िया सी नोट्स बनाइए, लिखिए, और आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। कल आपको कैनिजारो क्लियर, क्रास कैनिजारो, ये सब रिएक्शन बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।